वाले हैं ये लास्ट लेसन। ये फ्रांस के कहानी आपकी है, कल बताए थे कि फ्रेंच जो था, जल्दी से देख लीजिए। अपने विद्यालय में जा रहा था क्योंकि उस दिन उसके टीचर ने कहा था कि जब तुम विद्यालय में उपस्थित होगे तो मैं तुमसे आई आस्क द रूल्स ऑफ द पीपल्स बट द फ्रेंच डू नॉट वाट इज द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द पार्टिसिपेट। उस दिन उसको टीचर ने कहा था कि जब तुम विद्यालय में आओगे तो तुम्हें पार्टिसिपियल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन फ्रेंच को पार्टिसिपियल का पहला शब्द भी मालूम नहीं था। वह विद्यालय की तरफ जा रहा था, उसके मन में विचार आया कि हम विद्यालय में नहीं जाएंगे आज क्योंकि मेरे टीचर हमसे पूछेंगे। हम भाग चलते हैं जहाँ चिड़िया चहचहा रही है उसका आनंद लेने के लिए जाएंगे। जिधर सैनिक हैं अपने शिविर को तैयार कर रहे हैं उधर हम जाएंगे। लेकिन वह गया नहीं, अपने विचार को टाइट रखा, फिर वह बोल अपने विद्यालय की तरफ गए जाने लगा। फिर एक बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचा जहां पर लिखा गया था जो जी मैंने बुरी दो साल में जो भी खबरें आती हैं उस पर लिखी गई थी। वह जो लोहार होता है वह पढ़ रहा था। उसके बाद अपने वो विद्यालय में जाता है। जब विद्यालय में जाता है तब विद्यालय बहुत शांत था, बिल्कुल वातावरण शांत थे, कोई हल्ला गुल्ला कोई शोरगुल नहीं हो रहा था। इसको ऐसा महसूस हो रहा था कि लगता है कि शायद आज रविवार का दिन है। फ्रेंच को महसूस हो रहा था, फ्रेंच चाहा कि मैं विद्यालय में जाऊँ। जैसे वह विद्यालय में एंट्री किया वहाँ की कुछ घटनाएँ विचित्र थी, सभी लोग शांत अवस्था में बैठे हुए थे। फ्रेंच चुपचाप जब गया तो टीचर ने कहा कि जाओ तुम जा करके अपने जगह पर बैठ जाओ। जो गांव के बुजुर्ग लोग थे वो सबसे पीछे डेस्क पर बैठे हुए थे। टीचर जो थे एक अच्छे तरीके से पोशाक पहने हुए थे और वो पोशाक उसी समय पहनते थे जब कोई विदाई समारोह, जब कोई समारोह होता था। लेकिन आज कोई समारोह भी नहीं है, फिर भी वो वस्त्र को पहने हुए हैं। उसके बाद से ये बातें आगे बढ़ती है, हमसे पार्टिसिपियल की प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। फ्रेंड जवाब नहीं दे पाता, वहाँ पर चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी मिस्टर एमएल कहते हैं देखो बच्चों आज ये लास्ट लेसन हम लोग का है, क्योंकि ये बर्लिन से या जो भी कहिए जहाँ से इन्फॉर्मेशन आया है कि कल से इस विद्यालय में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से इस विद्यालय में जर्मनी की भाषा पढ़ाई जाएगी और हम लोग इस विद्यालय को छोड़ करके जाने वाले हैं। जब इस बात को कहते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और मिस्टर जो फ्रेंच है वो अपने आप को सोचता है, कहता है कि काश मैं पढ़ लिया होता, लेकिन मैं पढ़ाई के बावजूद इधर उधर घूमता था और इधर उधर बातें करता था, स्कूल में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता था। मैं कहता था कि कभी पढ़ लूँगा, लेकिन आज वो दिन आया कि आज से विद्यालय में मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद से टीचर्स वो जो मिस्टर हेमेले कहते हैं कि मुझे इस बात का दुख है कि बच्चों को मैं अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया, माता पिता भी बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि को उत्पन्न नहीं किए, लेकिन फिर भी बच्चा को जो भी हमने चाह उसको किया। कभी कभी हम मछली मारने के लिए भी जाते थे, बच्चों को साथ लेकर के जाते थे, कभी पौधों में पानी डलवाने के लिए कहते थे, लेकिन आज वो टाइम नहीं रहा, आज वो समय गुजर चुका है। उसके बाद सेमिस्टर है मैंने बात को कहते कहते भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आज का जो लेसन है ये अंतिम लेसन है, आज के बाद से हम लोग की मुलाकातें नहीं होगी। जब ये बात को कहते हैं तो उनकी जो मिस्टर हेमल की बहन थी वो सामान को बांध रही थी और वो जाने वाले थे, और उसने कहा था कि जो हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा है वो भाषा को कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि जब भाषा यही भाषा के जब हम लोग जेल में रहते हैं तो ये चाबी के रूप में कार्य करता है। उसके बाद से वो 40 साल उस विद्यालय में पढ़ाए थे और इस विद्यालय में पढ़ाने के बाद फिर से अपने जगह को छोड़कर वहाँ से क्या होते हैं चले जाते हैं। इस तरीके से कहानी कहाँ होती है, खत्म कर दी, समझे? अब बताओगे कि नहीं बताओ तुम लोग?